पर एयर इंडिया ने बहुत बुरी हालत की हुई है सबकी, सांस लेने सांस नहीं आ रही है, इट्स स्विच्ड ऑफ द एंटायर सिस्टम। उसका टाइमिंग था 4:30 और उसके बाद उनके पास दूसरा जो मतलब बोर्डिंग पास आया वो 5:30 का आया। नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर मची अफरा तफरी और यात्रियों की भीड़ से अभी सिस्टम ठीक से निपट भी नहीं पाया था कि मुंबई से बड़ी खबर आ रही कि वहां पे एयर इंडिया की फ़्लाइट 3 घंटे लेट है। जो फ्लाइट के अंदर चले गए हैं उनको बाहर नहीं जाने दिया जा रहा है, वहां पे बिठा के रखा गया है और फ्लाइट के अंदर कोई भी सुविधा नहीं है, न लाइट है और न ही सुविधा, लोग काफ़ी परेशान हैं। सबसे पहले ये वीडियो देखिए। मैडम एयर इंडिया कह रहा है मैम, इनको कल से ही दिक्कत का पता था क्योंकि कल कुछ लोगों ने जब टिकट करी तो उसका टाइमिंग था 4:30 और उसके बाद उनके पास दूसरा जो मतलब बोर्डिंग पास आया वो 5:30 का आया। उसके बावजूद 24 घंटे मिलने के बावजूद भी अगर ये सुधार नहीं कर सकते हैं तो इनको पहले से प्लानिंग कर रही थी दूसरा एयरक्राफ्ट देना था जिससे लोगों को दिक्कत ना हो और एयर के अंदर लोग इसलिए ट्रेवल करते हैं जिससे उनका टाइम और मनी और एनर्जी ये सारी चीजें सेव हो। जाने के लिए तो ट्रेन से भी जा सकते हैं। तो क्या दिक्कत हो रही है? शेड्यूल मीटिंग थी, क्या दिक्कत हो रही है? अब ये तो बता रहे टेक्निकल मीटिंग है, टेक्निकल प्रॉब्लम है। अगर टेक्निकल 2.5 घंटे से हम लोग वेट कर रहे हैं। आप 2.5 घंटे कह रहे हैं, मैं कह रहा हूँ 24 आवर्स एनफ। कल से ही ये दिक्कत चल रही है और लाइट इन्होंने ऑफ करी हुई है, कोई सांस ले नहीं पा रहा है, बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है अंदर लोगों को। और मेरा ऐसा मानना है कि अगर इस तरीके की सर्विसेज एयर इंडिया देता रहेगा तो कल को लोगों का जो फेथ है, ट्रस्ट लेवल है, वो जीरो हो जाएगा और इनको फिर अपने आप को सेल आउट करना पड़ेगा जैसे पीछे एक दो बार कर चुके हैं। जरा उसको तुम रिक्वेस्ट करो, जरा उसको ये फ्लाइट के अंदर का वीडियो है, उसे साफ पता चल रहा है कि किस तरीके से लोग परेशान हैं, अंधेरे में हैं और इसमें एक अभिनेत्री टीना फिलिप भी सफ़र कर रही हैं। सुन, हाय, दिस इज टीना फिलिप। आई वाज टेकिंग अ फ्लाइट स्ट्रेट फ्रॉम शूट बॉम्बे टू दिल्ली और यहाँ पर एयर इंडिया ने बहुत बुरी हालत की हुई है सबकी, सांस नहीं आ रही है, इट्स स्विच्ड ऑफ द एंटायर सिस्टम और 3 घंटे का वैसे ही डिले है और वैसे भी यहाँ पर यू नो ऑक्सीजन नहीं है। सब लोग को अंदर कैप्चर किया हुआ है एयरक्राफ्ट के अंदर, ये देखिए। पिछले 2 घंटे से सिस्टम ऑफ किया हुआ है, पीपल कांट इवन ब्रीथ, दे आर नॉट डीबोर्डिंग एनीबडी। सुना आपने, पहले से पता था कि दिक्कत है, इसके बावजूद यात्रियों को नहीं बताया गया, उन्हें जो है फ्लाइट में चढ़ने दिया गया और उसके बाद फ्लाइट 3 घंटे लेट हुई। अब अंदाज़ा लगा सकते हैं कि फ़्लाइट में बैठने के बाद यदि 3 घंटे की देरी हो और कोई भी सुविधा वहां उपलब्ध न हो तो यात्रियों को पर क्या गुजर रही होगी। अभी तक एयर इंडिया की तरफ से इस पर कोई सफाई भी पेश नहीं की गई है और लोग परेशान हैं। रहिए बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें।